जम्मू कश्मीर के सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में ई गाड़ियों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों के दरमियान अब आम लोगों के पास ई गाड़ियों का अच्छा ऑप्शन है। हुकूमत भी ई गाड़ियों को फरोग दे रही है। यही वजह है कि लोग अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मायल होने लगे हैं। ये गाड़ियां न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रही हैं, बल्कि कमर्शियल सेक्टर में भी ई गाड़ियों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से शहर में ई चार्जिंग स्टेशंस की तादाद में भी इजाफा हुआ है। जम्मू शहर में 100 इलेक्ट्रिक बसें जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुसाफिरों के इस्तेमाल के लिए मुख्तस की गई हैं। वहीं इलेक्ट्रिक या ई रिक्शा की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। ई रिक्शा चलाने वाले अफराद का कहना है कि जम्मू में ई रिक्शा की शुरुआत से उन्हें रोजगार मिला है और मुसाफिरों का सफर सस्ता और आसान हुआ है। हुआ है जम्मू में वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो ख़त्म हुई है, और दूसरा है कि जो लोगों को फैसिलिटी थी डोर टू डोर वो भी मिल रही है, क्योंकि लोग इससे काफ़ी सहमत हैं, क्योंकि लोगों को पहले काफ़ी सफ़र करना पड़ता था, अब लोगों को डोर टू डोर हम जाके छोड़ते हैं। इसमें किराया भी हमने लेस ही करके रखा होता है, तो अब जैसे आप देख ही रहोगे कि ई रिक्शा की तादाद बहुत बढ़ रही है, लोगों को काफ़ी ये पसंद भी आ रहा है, और लोगों की सहूलियत के भी लिए गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नमेंट का, कि जिन्होंने ई रिक्शा लॉन्च किया है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए। मैं पहले मिस्त्री का काम करता था, नरवाल में 7 नंबर जाड़ में काम करता था मिस्त्री का, मगर उधर काम नहीं है, इसलिए मैंने ये डाला अभी ऑटो। मैं तो 7 दिन से यही चला रहा हूँ, 7 दिन से मेरी रोटी इसी से चल रही है। वहीं जम्मू खित्ता के ट्रांसपोर्ट ऑफिसर पंकज बगोत्रा ने कहा कि सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन आई थी और ई रिक्शा को हम उनको प्रमोट करने के लिए कहा था। उसके कुछ फ़ायदे ये हैं, जैसे कि ई रिक्शा चलने से लोगों को रोज़गारी मिल रही है, जो लोग बेरोज़गार थे उनको काम करने का मौका मिल रहा है, वो काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे कि हमारा जो कंजम्पशन है अब पेट्रोल, क्योंकि ये सब बैटरी से चलते हैं, चार्जेबल पॉइंट्स पे चलते हैं, और पेट्रोल की कंजम्पशन भी जो है कम हो जाएगी हमारी, और इसका किराया भी कम है, और दूसरा जो है लोगों को ये इसकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इसका मेन मकसद था लास्ट माइल कनेक्टिविटी, तो ये अंदर अंदर जाके लोगों को दूर कोने कोने तक लेके जा रहे हैं। इसकी डिमांड बढ़ रही है। अभी हम आपको एक आंकड़ा भी दे देंगे, जो ई रिक्शा अभी तक जितने हमने बेचे हुए जितने रजिस्टर हुए हैं हमारे पास, उसका हम आंकड़ा भी दे देंगे आपको, और इनके लिए हमने जो है रूट्स भी नोटिफाई किए। हाँ, अगर आप पॉल्यूशन की बात करते हैं तो बिल्कुल यकीनन ये जो है फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि जैसे ही है ई रिक्शा है, ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो इससे जो है पॉल्यूशन का लेवल हमारा बहुत कम चला जाएगा, जिससे लोगों को यहाँ पे रहना आसान। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे की बायस अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर चलने वाली गाड़ियों की कीमतें बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है। खास तौर पर रोजाना की बुनियाद पर गाड़ी चलाने वाले गाड़ियों के मालकान का बजट मुकम्मल तौर पर बिगड़ना शुरू हो गया है। पिछले 3 सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेजी से मार्केट में अपनी जगह बना रही हैं। लोगों का रुझान ई व्हीकल की तरफ मुसलसल बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब रियासती दारुल हुकूमत जम्मू में इन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन तेजी से बढ़ रही है। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन है, जहाँ से जो धुआं निकलता है वो एक बड़ा सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, और जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं वो एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, और इसलिए गवर्नमेंट लेवल से या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से भी इनको इनकरेज किया जाता है, और लोग खुद भी अवेयर हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज़ करने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो कास्ट इफेक्टिव भी है, और एट द सेम टाइम ये जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे हमारी जो सिटीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा मिलेगा, एयर पोल्यूशन लेवल कम होगा, और लोगों की सेहत में लॉन्ग रन में इम्प्रूवमेंट होगी। देखो, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ये सेफ सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, और जो सैम्पलिंग हमारी इसको एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग है, एयर मॉनिटरिंग है, वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम बता सकते हैं कि कितना पोल्यूशन लेवल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाने से कम हुआ है या बढ़ा है, कितना कम हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में अब ई बसेस, ई बाइसिकल्स और ई रिक्शाज की शुरुआत हो चुकी है, और अब इस
ई बसेस, ई रिक्शाज और ई बाइसिकल्स की वजह से जम्मू कश्मीर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितनी कमी आएगी वो देखने वाली बात होगी। तहम ई रिक्शा की शुरुआत से कई नौजवानों को जम्मू शहर में रोजगार भी मिला है। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।